सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सरसाइज 4.3। इसमें दिया हुआ है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ट्रेन है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है उसे एक्स ले लेंगे। सो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स। तो चलिए, स्पीड तो मैंने एक्स ले लिया। अच्छा, उसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 360 किलोमीटर। अब नेक्स्ट डेटा में क्या दिया हुआ है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो उसे टाइम कितना लगता, कम लगता। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है कि अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसे टाइम थोड़ा सा कम लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। देखिए, डिस्टेंस उसकी फिक्स है 360 किलोमीटर, तो अगर अपनी स्पीड बढ़ा देगा वो, तो उसे थोड़ा सा कम टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। वो टाइम कितना होगा, 1 आवर। सो उसे 1 आवर कम ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो इस केस में आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पहला फॉर्मूला होता है। और दूसरा, अगर इसे मैं यहाँ पर टाइम को यहाँ शिफ्ट करूँ, सो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब एक काम करते हैं, हमें ये डेटा गिवन है कि जो नया टाइम लग रहा है, मतलब जो स्पीड बढ़ाने के बाद जो टाइम है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसे मेंशन भी कर देता हूँ। लेट टी डैश बी द टाइम टेकन आफ्टर द स्पीड इज इंक्रीज्ड, आफ्टर द स्पीड इज इंक्रीज्ड। ओके, सो टी डैश कौन सा टाइम है, जब आपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया है, और इसी में लेट टी बी द टाइम टेकन व्हेन द स्पीड इज एक्स। ठीक है, सो टी आपकी ओरिजिनल टाइम है, जो यहाँ पे शुरू में दिया हुआ था कि अगर वो अपने यूजुअल स्पीड एक्स से चलती रहा तो जो टाइम लेगी। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नया टाइम टेकन है, देखिए यहाँ पे जो पुराना वाला टाइम टेकन है माइनस जो नया टाइम टेकन है वो कितना होगा, 1 आवर होगा। ध्यान से समझिएगा, उसने बोला हुआ है कि अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा दे, तो ये कौन सा टाइम है जिसमें उसने स्पीड बढ़ा दी है, तो वो टाइम थोड़ा सा कम होगा, ये टाइम थोड़ा सा छोटा होगा, किससे, इससे। तो इसमें जो टाइम लगेगा वो कैसा होगा, 1 आवर लेस लगेगा। सो ओरिजिनल टाइम बड़ा था, वो ओरिजिनल टाइम आपका बड़ा था, उसमें से जो नया टाइम है वो थोड़ा सा छोटा है, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करवाने पे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए, ये तो डेटा मुझे मिल गया। अब बस मुझे टी को और टी डैश को दोनों को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, टी क्या होगा यहाँ पे, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो बताइए, टी क्या होता है यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मुझे कवर करना है 360 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है मेरी, एक्स है, बिकॉज ये ओरिजिनल वाला है जहाँ पे आपको आपकी स्पीड कितनी है, एक्स है। अच्छा, यहाँ से टी डैश की वैल्यू निकालते हैं ज़रा। टी डैश देखिए, टी डैश कौन सी स्पीड, कौन सा टाइम है, जब आपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया है। तो देखिए, उस केस में भी डिस्टेंस तो आपका सेम रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, लेकिन आपने स्पीड अपनी क्या कर दी है, 5 किलोमीटर्स इंक्रीज कर दी है। ठीक है, आपने अपनी स्पीड में 5 किलोमीटर का इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो हमारे पास ये दोनों टाइम आ गए। अब मैं इसे इक्वेशन में से पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा 360 बाय एक्स माइनस 360 बाय एक्स प्लस 5, और ये किसके बराबर आएगा, 1 के। तो अब बस आपको इसे सॉल्व करते जाना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ इसे। तो देखिए, एक्स प्लस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और x का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 360 एक्स प्लस 5 और माइनस 360 एक्स, और यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस 5 आएगा, तो वो यहाँ पे चले जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ इसे, तो 360x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, प्लस 360 इंटू 5। देखिए, 360 इंटू 10 करवाते तो 3600 हो जाता, लेकिन 5 से करवाया तो उसका हाफ क्या होगा, 1800। ठीक है, 1800 हो जाएगा 360 इंटू 5, आप करवा के भी देख सकते हैं, और माइनस 360x। अब यहाँ से देखिए, इसे भी मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, तो यहाँ पे माइनस 360 और यहाँ पे प्लस 360, ये तो हट गया यहाँ से, सिर्फ क्या बचा, 1800 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे तो मैं ज़ीरो रहने देता हूँ,
और जो वेरिएबल है मेरा, जो कांस्टेंट टर्म है 1800, उसे मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और माइनस में क्या हो जाएगा 1800। तो देखिए अब तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गई है यहाँ पे, ये जो मेरी इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बस मुझे इसे फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, तो फैक्टराइजेशन देखते हैं, यहाँ पे 1800 और यहाँ पे 1 है, सो 1 × 1800, तो ये तो 1800 आ जाएगा। अब आप इसके पॉसिबल फैक्टर सोचिए, जिसको प्लस माइनस करवाने पे क्या आ जाए, ये 5 आ जाए। तो देखिए 180 के फैक्टर क्या होते हैं, 45 × 2 होता है, अभी 180 के फैक्टर बता रहा हूँ, 180 क्या होता है, 45 × 2 × देखिए 45 × 2 तो 90 हो गया, और इंटू टू और करवा दो तो 180 हो गया, ठीक है, इतना तो 180 हो गया, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10 चल रहा है। अब आप इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक जगह तो 45 है, और ये 2 × 2 ये कितना हो गया 4, और 4 × 10 हो गया 40, सो 45 × 40, तो एक पॉसिबल फैक्टर ये मुझे दिख रहा है, जिनके बीच में क्या आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं इसको यूज़ करके देखूँगा यहाँ पे, तो चलिए इसे यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे 0 = x² तो एज इट इज़ लिख दूंगा यहाँ पे, और प्लस 5x की जगह पे क्या लिखूंगा, प्लस ऑफ 45x, और यहाँ पे माइनस ऑफ 40x, और यहाँ पे माइनस 1800। चलिए इसके बाद सॉल्व करते हैं इसे फर्दर। अब इन दोनों में से मैं कॉमन लूँगा, और इन दोनों में से कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे कॉमन लेता हूँ मैं, तो यहाँ 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेता हूँ, सो x प्लस 45 आ गया, और यहाँ से मैं माइनस 40 कॉमन लूँगा, तो यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 45। तो देखिए पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो गए, x प्लस 45 और x माइनस 40। तो बताइए x की एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी होगी, देखिए अगर आप इसको 0 से इक्वेट करते हैं, एक बार इसको और एक बार इसको, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू माइनस 45 और क्या हो जाएगा, माइनस 40। ये दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, या तो माइनस 40 और या तो फिर सॉरी, ये एक में प्लस होगा, ये प्लस 40 होगा, तो देखिए या तो माइनस 45 या तो प्लस में 40, ये दो x की वैल्यूज़ हैं, जिसमें से एक्सेप्टेबल कौन सी होगी, प्लस 40, बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की नहीं, आप कंफ्यूज मत होना इससे। सो स्पीड यहाँ पे 40 एक्सेप्ट कर लेंगे हम यहाँ पे, तो जैसे ही स्पीड 40 हो जाएगी, तो देखिए हमें यही तो निकालना था यहाँ पे स्पीड में, देखिए फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपकी स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई है, 40 km/h। सो गाइज ये था सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 8 का। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। सो गाइज हियर इज द बोनस क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज आंसर द क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। Thank you guys.